हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गेस व्हाट, 5:15। टू रीजंस, एक तो गर्मी बहुत बढ़ी है भाई दोपहर में, एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि गर्मी के अलावा आज तो मीटिंग भी है 10 बजे के आसपास। देखते दुनिया 5 बजे सुबह कैसी लगती है, है ना। बहुत टाइम हो गया देखे हुए। और सोसाइटी की गाड़ी भी सो रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 बजे वैसे भी कौन उठता है। It's a good feeling, na? When you wake up at 5-6, you go to your gym or whatever kind of workout you do. The thing is that you will do the hardest part of the day early in the morning when most of the people are sleeping. In Sahil aaj aayega nahi, Sahil ko kya rest chahiye, usko recovery chahiye na. Aaj yehi count karte karte chalenge kitni gaadiyan dikhti hai apne ko. 100, at least 20 reps. बेसिकली आज हम 5:30 बजे जिम में आए थे। आई थिंक आई लाइक दिस टाइम, तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से या फिर मंडे से इसी टाइम पे आना। विल डू इट, फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग द वर्कआउट एट 5:30 इज यू कैन फिनिश वर्कआउट बाय 7 एंड देन आई हैव द होल डे फ्री to do whatever I want to do. So energy भी बहुत है, energy level बहुत ज़्यादा है। दोपहर में 10 बजे होता ना, इतनी गर्मी पड़ती है, इस टाइम पर गर्मी भी नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। कोच नहीं है, कोई बात नहीं। दो सेट हो गए, दोनों में 20-20, गुड। अभी अभी जूली का भी मैसेज आया, वो अभी उठी हुई ना, 6 बज चुके अभी। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल हस्बैंड इन द जिम, होप एवरीथिंग वर्क्स आउट द वे यू वांट इट। दिस इज गुड टू वेक अप एट 4:30। साढ़े 4 बजे उठा था, पता है, और खाना खाया और मतलब मेरा प्री वर्कआउट मिल लिया, यहाँ आया। थर्ड एंड लास्ट सेट लेने से पहले थोड़ा रेस्ट लेंगे ताकि नेक्स्ट जो लास्ट सेट है उसको अपन पूरी स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर सकें। और लास्ट सेट में भी लास्ट वीक अपन ने किया था 110 pounds के 16 reps, गुड। लास्ट वीक 16 किया था, बट लास्ट वीक में सेकेंड सेट के अंदर मैंने 16 किया था, इस बार 20 कर दिया। ऑल गुड, वी जस्ट हैड टू परफॉर्म बेटर देन लास्ट वीक। बेटर मीन्स बेटर रैप्स, नॉट इन द वेट। वेट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बट जितने रेपिटेशन अपन ने लास्ट वीक मारे थे कम से कम उतने तो करनी है, विच वी डिड। इंक्लाइन डंबल प्रेस फॉर द चेस्ट 2 मिनट्स एंड देन वी विल डू इट।6 7 8 12 13 14 15 लास्ट वीक 12 पे किया था, इस वीक 15, गुड सेट। 4 5 6 7 8 9 10 मेन गोल इज टू रीच द फेलियर। फिर लास्ट सेट है, इस वीक फुल स्ट्रेंथ के साथ पुश करना है। Let it roll.
नहीं होगा। लास्ट सेट 10 किया था, दिस सेट इज ऑन 11। गुड। तो आज हमने लेग पुल डाउन से स्टार्ट किया था, बैक का एक्सरसाइज था, उसके बाद इंक्लाइन चेस्ट, डंबल प्रेस। थर्ड एक्सरसाइज विल बी नाउ बारबेल बेंट रो, वो भी बैक का ही होगा। उसको मेरा थोड़ा वीक, ये थोड़ा वीक पार्ट है, वीक मतलब मेरा वीक एक्सरसाइज रहता है। वन स्टेप अ टाइम विल ग्रो इफ यू डू इट राइट ईच टाइम। मतलब कहने का मतलब है जब भी अपन इसको ट्राई करते हैं अच्छे से ट्राई करेंगे। एंगल 90 डिग्री एकदम, कितना इंच है? थर्ड एंड लास्ट सेट, वी गो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। ओके, लीन द बैक थ्री क्योंकि इसका फॉर्म अभी तक माइंड मसल अभी कनेक्ट हुआ नहीं है, बट अगर हम रोज करते हैं एम सी सी डू इट डेली, नॉट डेली बट अगर इसको करते हैं तो धीरे धीरे तो सीखने को हो ही जाएगा एक दिन। आई थिंक स्लोली स्लोली इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट फॉर नाउ अभी तक के लिए सब ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, वेट हटा देते हैं अपना, बिकॉज कोई दूसरा हटाने के लिए नहीं आएगा। हो गया, मैं नीचे जाता हूँ, जैसे स्लोली स्लोली नीचे गया, माय बैक इज स्ट्रेट 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 राइट। बट जब मैं लिफ्ट करता हूँ ना, मैं जो गलतियाँ करूँगा लोगों से सीखूंगा, यू कैन लर्न फ्रॉम पीपल राइट, कि मेरे को डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो चेंज एक दिन में नहीं होगा। इट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो भी बंदा आएगा उसको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरा वेट वो क्यों निकाले, प्लस हो सकता है उससे निकले भी ना, हो सकता है मैंने हैवी लिया हो, या फिर उसके लिए उसको चेंज कर, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। आई थिंक परफेक्ट इन मिडिल, वेट तो सेम है ना, वेट सेम है ना? हाँ सेम। ओके ओके, लास्ट टाइम जो किया था ना उसका वीडियो देखते हैं। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो डालने का सबसे बड़ा ये तो फायदा है। ओके ओके, अच्छा किया था, लेकिन इसको पहले वाले से बेटर करते हैं। अभी सही है। Process. Thank you. Got it. Sixteen, seventeen. लास्ट वीक कितना होता है देखने, देख बार 15 into 30, 20 into 18, 20 into 18।
इस वीक वेट नहीं बढ़ा यार, गलती करते। फर्स्ट थ्री सेट वर विथ 50 kilo और पहला गया था आई थिंक 25, सेकंड वर सेकंड एंड थर्ड वर अराउंड 18। ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में अच्छी जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत कम है। 10 बजे जब गर्मी होती है ना, मैंने नोटिस किया खुद को फ्रेशनेस, सुबह 5 बजे उठ के 4:30 बजे उठ के आना, आई थिंक वो अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो एक वो एक फीलिंग जो डोपामाइन मिलता है ना कि यार अपन 4:30 बजे उठ के आते, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन देखते हैं, एक दिन में मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी पता पड़े कल नहीं उठ पाऊँ तो एक हैबिट बनानी पड़ेगी 4:30 बजे उठने की। हाँ, इसके बाद फुल डे फ्री ना हो, आई मीन आई कैन नॉट इवन बिलीव कि मेरा डे 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द डे है ना, जो एक्सरसाइज करने वाला, जो फिजिकली टायर्डनेस का है, वो मेरा हो गया ऑलरेडी 7:30 पे। अब मैं प्योर 10 बजे 2 मीटिंग करनी है, मेन रीज़न आज जल्दी आने का था। फर्स्ट सेट का मैंने वीडियो देखा था, थोड़ा मैं झटका मार रहा था ऐसे, ऐसे खींच रहा था, ऐसे खींच रहा था, शॉर्ट स्लो रहा था, नेगेटिव स्लो जा रहा था, लेकिन जो पॉजिटिव आ रहा था ना इससे बहुत पैसे आ रहा था। इसको थोड़ा और अच्छे से करेक्ट फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हैं। सेकंड सेट 75 किलो, गोल इज टू रीच 20। अच्छा दिन जा रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ में कमी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो थोड़ा रेस्ट लेके आराम से इसको करेंगे ताकि अपन फुल स्ट्रेंथ के साथ लास्ट सेट को परफॉर्म कर सके, क्योंकि लास्ट सेट है ना। इसको आराम से करते हैं, तैयारी हो चुका है। ऐसे गुड फीलिंग टू वेक अप एट 4:30। लेकिन उठा कैसे जाएगा, अच्छा उठ जाएगा 4:30 बजे से, बस तेरे को तो 5 बजे उठ के आना है, मेरे को 4:30 बजे उठ के हमारा मील वील बना के फिर आना पड़ेगा। Oh, sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.